हमारे साथ गीता कोड़ा मैडम है। मैम आपसे एक सवाल था, वो मैं जानना चाह रहा था। पलायन का मुद्दा झारखंड में बहुत जोरों का है। चकरदरपुर शहर से ही मैं देख रहा हूँ रोज हजारों की संख्या में लोग यहाँ से जा रहे हैं। मैंने उनसे बात भी की और जानने की कोशिश की तो ये समझ में आ रहा है कि चकरदरपुर पश्चिमी सिंहभूम में कोई बड़ी फैक्ट्री नहीं है, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, जिसके वजह से लोग पलायन कर रहे मात्र 300 की दिहाड़ी में चले जा रहे हैं। मैम जबकि 300 एक बहुत कम राशि होता है, तो इस पे आप माननीय सांसद है, उसके लिए मैं ये जानना चाह रहा था कि हमारे एरिया में कोई फैक्ट्री नहीं है, उसके लिए अब तक जो है कांग्रेस पार्टी या आपके एंड से कुछ आगे का कोई प्रोसेस ऐसा। चलिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। ये हमारे जिला के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा पलायन है, वो भी पुड़ाहाट अनुमंडल से सबसे ज़्यादा पलायन होता है। आए दिन हम लोग अखबारों के माध्यम से या फिर सोशल मीडिया के माध्यम से ये खबर आती है कि दिल्ली में बच्ची का रेस्क्यू किया गया, आज यहाँ से मजदूरों का शोषण हो रहा है, इस फैक्ट्री में शोषण हो रहा है, इस तरह के कई बातें हमेशा आती हैं। तो मैं आपको इस पर कहना चाहूँगी कि इस स्थिति को लेकर के हम लोग भी काफ़ी गंभीर हैं। हमने भी कई बार सरकार में अपनी बात को रखा है, इसके साथ ही सांसद होने के नाते हमने पार्लियामेंट में भी इस बात को रखा था कि जो हमारे संसदीय क्षेत्र में आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया भी आता है तो वहाँ भी कई फैक्ट्रियाँ अभी बंद है, कम से कम सरकार उसको कुछ या सहायता राशि दे करके उसको चलाए ताकि वहाँ भी कुछ लोग काम कर सके, हमारे यहाँ के लोग वहाँ भी काम कर सके। इसके साथ ही और एक बहुत बड़ी समस्या है जो 2013-14 से हमारे इस जिले में जो माइंस है, 20-21 माइंस हुआ करती थी इस क्षेत्र में और वो सभी बंद है, सिर्फ अभी 4 से 5 माइंस है, जो सेल का माइंस है या फिर टिस्को का माइंस है वही चल रहा है, तो बाकी जितने माइंस है वो बंद है। तो सरकार को पहल करनी चाहिए कि भाई वो माइंस जिस तरह से उड़ीसा में चल रहा है वो हमारे यहाँ पर भी वो माइंस चले और यहाँ के लोगों को रोजगार मिले। इसके साथ ही प्रपोजल था मनोहरपुर में स्टील प्लांट का भी, सरकार को पहल करनी चाहिए जो इस तरह की चीज़ें हैं वो बने ताकि यहाँ के लोगों को वहाँ काम मिल सके। अब तो झारखंड सरकार भी कह रही है कि भाई 75% जो है 70% आपको यहीं के स्थानीय को लेना है, चाहे वो फैक्ट्री में हो या फिर छोटे या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में हो, आपको यहीं के लोकल लोगों को लेना है। तो सरकार लोकल लोगों को कब लेगी, जब यहाँ कुछ इंडस्ट्री बैठेगी या फैक्ट्री होगी या माइंस होंगे, तो सरकार को इस दिशा में भी पहल करने की जरूरत है। मैंने तो कई बार रिमाइंड करा, मैं एक बार और उनको रिमाइंड कराऊंगी कि कम से कम यहाँ खदान भी खुले, स्टील प्लांट भी खुले ताकि जो पलायन की जो समस्या है कुछ हद तक उससे उसका समाधान हो सके। मैडम ऐसा है कि पिछले दिनों एक अभियान चलाते हैं जागरूकता अभियान, जो भी मजदूर जाते हैं, मजदूर हो या पढ़े लिखे लोग, इसे मजदूर हम लोग नहीं कह सकते हैं, जो बेरोजगार लोग हैं उनका एक रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, इसको लेकर जागरूकता अभियान काफी पहले चला, फिर जो है श्रम विभाग इस पर ध्यान नहीं दिया। मैंने मजदूर जो भी लोग पलायन कर रहे हैं उसका रजिस्ट्रेशन होने से कुछ वहाँ पर कुछ घटना सेफ माइग्रेशन के नाम से भेजा जाता है। आपसे सहमत हूँ, हम लोग भी कई बार मजदूरों को कहते हैं, उन जो पलायन कर रहे हैं उनको हम लोग कहते हैं कि कम से कम रजिस्ट्रेशन आप करा लीजिए ताकि कल को कोई भी घटना हो, किसी भी तरह की बात हो तो आपको सुरक्षित कम से कम सरकार आपको ला सके या आपके परिवार को सहायता कर सके। तो ये हम लोग भी बार बार अपील करते हैं, ठीक है आप लोग जा रहे हैं तो कम से कम सुरक्षित तरीके से जाइए। जो सरकार जो बाहर काम करने वाले मजदूर जो जाते हैं उनके लिए कई सारे प्रावधान केंद्र सरकार के भी है, राज्य सरकार के भी है, कम से कम वो बेनिफिट उनको और उनके परिवार को मिले। तो ये हम लोग काफी कह भी रहे हैं, मैं फिर एक बार हमारे डिस्ट्रिक्ट श्रम विभाग को कहूंगी कि इसको एक अच्छे से इसको पूरे प्रखंड में इसको, अब तो हमारे मुखिया भी हैं, पंचायत समिति है, उनके माध्यम से भी इसको प्रचार प्रसार करने की आवश्यकता है। जी मैम, थैंक यू।